और भारत एक विकसित देश है। इस देश में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों की वेशभूषा अलग अलग है। भारत में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। भारत एक एकसंघ राष्ट्र है, पर एक चीज ऐसी है जो इस देश को पीछे खींच रही है, वह है भेदभाव। यहाँ के लोग एक दूसरे के जाति धर्म में भेदभाव करते हैं। 2013 इंडिया में 3000 करोड़ फेयरनेस प्रोडक्ट बिके। हमारे लिए गोरा दिखना इतना जरूरी है कि पूरी फेशियल मार्केट का ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू स्किन वाइटनेस और लाइटनेस से आता है। सबसे पहली फेयरनेस क्रीम थी सन 1919 की अफगान स्नो। सबसे पॉपुलर क्रीम फेयर एंड लवली मार्केट में आई सन 1975 में। मेरी शीला कितनी गोरी, कितनी प्यारी, नहीं ज्यादा मुलायम, फेयर एंड लवली। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद कई क्रीम मार्केट में आई और 2005 में पहली बार फेयर एंड हैंडसम क्रीम ने लड़कियों के जगह लड़कों को टारगेट किया। पेश है इमामी फेयर एंड हैंडसम फेयरनेस क्रीम फॉर मेन। शुरू से ही हमें बताया जाता है कि गोरा रंग काले रंग से बेहतर होता है। कई रिसर्च टीम्स ने हमारे इन फेयर स्किन प्रेफरेंस को डॉक्यूमेंट किया है। यहाँ तक कि हमारे हिंदू भगवानों को भी ज्यादातर गोरे रंगों में दिखाया जाता है, और वो भगवान जिनको किताबों में डार्क बताया है उनको भी हम गोरे या नीले रंग में दिखाते हैं, जबकि कृष्ण शब्द का मतलब ही संस्कृत में डार्क या ब्लैक होता है। सुंदर मतलब एज एन बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बात करने में अच्छा होना चाहिए, उसका लुक्स डजंट मैटर, वो मायने नहीं रखना चाहिए। स्टडी के मुताबिक राजस्थान और हरियाणा में सांवले रंग की लड़कियों को उनके रंग की वजह से मेलों और शादियों में नहीं ले जाया जाता। 29 वर्षीय पूजा के पति ने उनके रंग की वजह से उन पर दहेज का इतना दबाव डाला कि उन्होंने पंखी से लटक कर अपनी जान ले ली। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ यह भेदभाव इतना आम हो गया है कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी हमारा स्किन कलर मानती है। वैसे ने अपनी वेबसाइट पे ये पब्लिश किया कि 10 में से 8 महिलाएं ये सोचती है कि फेयर स्किन उन्हें सोसाइटी में एडिशनल एडवांटेज दिलाती है। भारत में एक सर्वे में यह पता चला है कि ज्यादातर सामने लड़कियां जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करती, जिस वजह से उनकी करियर पर नेगेटिव असर पड़ता है। मुगल और ब्रिटिश जिन्होंने इंडिया पर राज किया था वो सब फेयर स्किन थे। इसलिए हमें इस 100 साल की कंडीशन की वजह से ऐसा लगने लगा कि जो फेयर होते हैं वो पावरफुल होते हैं और उन्हें ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। कास्ट क्लास सिस्टम ने भी फेयरनेस ऑब्सेशन को और मजबूत कर दिया है। जो लोअर क्लास के गरीब मजदूर दिन भर खेत में काम करते हैं वो धूप में रहकर सांवले हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो अपर क्लास के लोग दिन भर छांव में रहते हैं वो काले नहीं पड़ते हैं।